नमस्कार वकील साहब, भारत लाइव देख रहे हैं। अभी नीतीश कुमार यादव कार्यालय पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि नीतीश कुमार यादव कार्यालय पहुंचे हैं और उमेश कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं इस पे आइए आपको इस वीडियो में हम सुनवाते हैं। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का उपस्थिति होना हम लोग के बीच में और हौसला बढ़ाना, आज ही उन्होंने हम लोग से पूछा जी कि काम चल रहा है संगठन का, पार्टी का, और हम लोग को मार्गदर्शन मिलती रहती है और कुछ उनको देखना था पीछे का भी और उसका मायना करके और फिर निकल गए माननीय मुख्यमंत्री जी। पीछे कई जगहों पर गए, कार्यालय के अंदर समीक्षा भी यूज तमाम चीजें भी पीछे देख रहे थे। कुछ उनका मार्गदर्शन दिया गया, दिशा निर्देश दिया गया है कुछ काम के लिए और कुछ बताया गया, उनका मार्गदर्शन मिला है जो हम आपको सार्वजनिक नहीं मैंने उसी विस्तार किया जा रहा है कार्यालय का। नहीं, कार्यालय के विस्तार क्या, कार्यालय में ही जो कहीं कमियां हैं, चाहे कोई साफ सफाई का कोई मामला है, सब चीज पर ध्यान रखते हैं। एक छोटी छोटी चीज पर भी हमारे साहब माने माननीय मुख्यमंत्री जी बारीकी से ध्यान रखते हैं और यही मेन पहले से कोई सूचना नहीं, किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया लोगों का। पहले होती थी कि पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को आने से पहले वहाँ से सूचना मिल जाती थी, लेकिन आज अभी जनता दरबार वहाँ जनता की सुनवाई कर रहे थे, जन सुनवाई कर रहे थे और वहाँ से एकाएक फिर यहाँ उनका आ जाना। क्या बात हुई सर? हम सब से बात हुई, कुछ मार्गदर्शन दिए और कुछ मार्गदर्शन देके कार्यालय के बारे में और कुछ साफ सफाई के बारे में कुछ मार्गदर्शन दिए। कहाँ पर है जो होनी नहीं, साफ सफाई सब बिल्कुल क्लियर है, सब ठीक ठाक है, कुछ मार्गदर्शन उनका मिला है, कहीं कहीं कुछ पौधे उधर लगवाने के लिए और कुछ आप देखिए हमारी पार्टी जो है, जानते हैं कि हमारी पार्टी जाति और धर्म के राजनीति की नहीं करती है। हमारा जो पार्टी का उद्देश्य है समाज को, सभी वर्गों को एक साथ लेकर उसको न्याय उपलब्ध कराना, उसको विकास करना। समझे, हमेशा हमारा जो है संविधान में हमारी पार्टी आस्था रखती है, संविधान में विश्वास करती है और जनता दल यूनाइटेड के नेता, सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी जो न्याय के साथ समावेशिक विकास उनका मूल मंत्र है, उसी पर हमारी पार्टी चल रही है। और हम लोग जो है ये तो देखिए जनता दल यूनाइटेड का मानना है कि जो धर्म की बात करते हैं, धर्म की बात तो राजनीतिक धर्म गुरु करते हैं। समझे, कोई राजनेता यदि धर्म की बात कुछ करता है तो हम लोग उसका उस सब चीज़ का मैंने विरोध करते हैं। हमारी पार्टी जाति और धर्म के लेके कोई राजनीतिक सकने के उद्देश्य से हम लोग कभी नहीं करते। हम लोग जो है समाज को, सभी वर्गों को, सभी लोगों को और सभी धर्म के लोगों को समान करते। सर, सवाल ये है कि सुधाकर सिंह ने माफी नहीं मांगा, दूसरी तरफ जिस तरीके से शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं वो भी अपने बयान से पीछे नहीं हट रहे, सब पुराना कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या करें? सुधाकर सिंह का मामला कार्रवाई की तो मांग कर रहे हैं ना सर, देख लीजिए कि कौन लोग उसके नोटिस लेते हैं सुधाकर सिंह के बात पर। उनके जो नेता हैं माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, उन्होंने ही बोल दिया, नहीं उन पर तो फिर हमारे हमको बोलने का कोई औचित्य नहीं है। पार्टी के अंदर ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, जनता दल यूनाइटेड का, जनता आरजेडी का, तो आरजेडी पर कार्रवाई करेगी। मानस पर जेडीयू कौन होता है बोलने वाला, आरजेडी का कहना? देखिए हमारे यहाँ आप लोग इस तरह से बात करते, हमने तो कहा ही कि हम लोग जाति धर्म की राजनीति नहीं करते, हम लोग समाज के विकास के लिए राजनीति करते हैं। समाज के उद्देश्य हमारा समाज को विकास कराना, ये हमारा उद्देश्य रहता है। समाज में इस तरह के हमको ऐसे ऐसे भ्रमण पैदा करने वाले लोग राजनेता हैं, उनका उस चीज का हम लोग जेडीयू अपनी चिंता कर रही है, हमारी पार्टी उस चीज का विरोध करती है, हमारी पार्टी। लेकिन आरजेडी कर रही है, जेडीयू अपनी चिंता कर रही है। देखिए ये सब नेता क्या बोलते हैं इसकी बात करिए, कोई इधर उधर कोई लोग बोल देते हैं, पार्टी में बहुत सारे लोग हैं प्रवक्ता बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उस पर हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं। नहीं, आगे क्या आप लोग चाहते हैं, आगे क्या चाहते हैं? एक मिनट यार, ट्वीट भी किया शिक्षा मंत्री ने कि शिक्षित बिहार तेजस्वी सरकार, ट्वीट भी किया। आप लोग जो है इस चीज को आप लोग बहुत ज्यादा दूसरे रूप में ले रहे हैं। आप ये देखिए कि उनके पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी का जो है ये अंदरूनी मामला है, वो अपना देखेंगे, उस पर एक्शन लेंगे, क्या करना है वो करेंगे। हमारी पार्टी जो हम कर रहे हैं वो हमारी पार्टी जो है सभी धर्मों को, सभी जाति धर्म में सब लोगों को विश्वास करती है सब चीज़ का।
शिक्षा मंत्री को इस बयान के बाद माफी मांगना चाहिए? शिक्षा मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का अंदरूनी मामला है, वो जाने राष्ट्रीय जनता दल कह रहे हैं तो हमारी पार्टी हम क्या कर रहे हैं वो बता रहे हैं। गठबंधन में तो है ना, बिल्कुल उस पर जो है जो ये हमारे साथो दल की गठबंधन है। लेकिन महागठबंधन सरकार को तेजस्वी सरकार का है, उस पर तो उन्होंने कह ही दिया है, जब नेता ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ही बोल दिए हैं, उन्होंने ही कह दिया है कि सभी धर्म का हम सम्मान करते हैं, तो फिर अचित का है कुछ बोलने का। तो आपने सुना उमेश कुशवाहा का साफ तौर पर कहना था कि नीतीश कुमार बिना किसी सूचना का जदयू कार्यालय औचक निरीक्षक के लिए पहुंचे थे, उन्होंने कुछ नेताओं से बात की, दो चार मिनट रुके और यहाँ से फिर रवाना हो गए। और इसके साथ ही प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयानों को लेकर रामचरित मानस पर जो उन्होंने कुछ छंद पर टीका टिप्पणी की थी, इसको लेकर क्या कुछ कहा आपने सुना? उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पर पार्टी कार्रवाई करेगी, उनकी अंदरूनी मामला है इसको लेकर। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए मेरे साथ बन रहे हैं, भारत लाइव देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।